Hello and welcome. A very happy Sunday to all of you all. उम्मीद करता हूँ कि लास्ट जो हमने ब्रीदिंग टेक्निक पे एक वीडियो निकाला था और परस्पर ऐसे बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं जो आप लोगों के काम के हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हम देखते हैं और उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक ही चीज़ है जो हम अपने आने वाले पीढ़ी को दे सकते हैं और वो है वैल्यूज़। And in our pursuit of giving values, I thought let me today come and give you one more insight. And the insight is on the internship or the new joinees, the fresh graduates, those who are always looking for working and get started with their career. And this episode, this particular shoot is dedicated to all those new joinees. What is that they should look at? Because recently, we had a plethora of new joinees, trainees, interns that have come and joined and they are working with us. There's a common observation that I would like to put forth. Isiliye aaj ka ye special Sunday episode for all the youths in the society who are maybe, you know, started working or wanting to start working, maybe in an environment where they want to learn. I think if you want to learn, it is your way. It is you giving it to the organization. And this is one aspect which is missing, badly missing. What I have observed, I would definitely like to put forth. The discipline or your self-consciousness or your professionalism, your etiquette, your professional grooming starts from the first thing first, that is in the morning. जब आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो आपने देखा होगा पार्किंग स्पेस बहुत बड़ी होती है, लेकिन आप गाड़ी पार्क करते हैं बगैर सोचे कि दूसरा कोई पार्क कर रहा होगा तो उसको क्या तकलीफ जाएगी। हमेशा एम्पैथी जिसे कहते हैं वो दिखाने की चीज़ होती है, वो महसूस करने की चीज़ होती है, जो हम नहीं करते हैं। मैं पहला इंटरव्यू, पहला प्रोफेशनल एटिकेट मैं एम्पैथी से शुरू करता हूँ। वो मत कीजिए जो दूसरों को तकलीफ़ दे, क्योंकि अगर आप उनकी नज़र से सोचेंगे तो आपको खुद को तकलीफ होगी। जब आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो साइड स्टैंड से पार्क करते हैं आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो आप आने जाने की जगह पे ब्लॉक करते हैं। वो जगह जो आने या जाने की है वहाँ पर मत पार्क कीजिएगा, साइड स्टैंड पे मत पार्क कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा जो जगह पे आप पार्क कर रहे हैं उसके पीछे में या उसके आगे में जो आपको जगह मिलती है पहले वहाँ पार्क कीजिए। ये ना सोचिए कि आपको बाद में निकालने का अवसर मिलेगा तो आपको कितनी प्रॉब्लम जाएंगी। इफ़ यू थिंक इन योर माइंड फर्स्ट दैट हाउ यू आर गोइंग टू बी ट्रीटेड when there is already a bike in front or back and they are all side stand and it gets increasingly difficult for you to take your bike out, that is precisely where it starts from. So your first lesson is, when you are parking your vehicle, ensure that it is not a great hassle for either side, you and for the person who is coming there. So this is the first lesson. Second lesson is, when you start walking, ensure that you do not wear high heels. It will only attract noise or sound, and if people are looking at you, maybe they are looking at the wrong thing. I think आपकी चाल इस तरह से होनी, आपकी पदचाल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो दूसरों को सुनाई ना दे, सिर्फ आपको सुनाई दे। और यदि वो पदचाल बहुत ज़्यादा शोर कर रही है तो आप एक हंसी का पात्र भी बनेंगे, जो कि सही नहीं है। मेरे ख्याल से जब आप वॉक कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसे शूज़ हैं जो कि एग्जीक्यूटिव भी है, जो कि ज़्यादा हील्स वाले नहीं हैं, उनके फोम अच्छे हैं, इनसोल है, एंड डू नॉट वेयर फैंसी शूज़ और फैंसी फुटवेयर, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी फॉर यू टू यू नो कैरी योर सेल्फ थ्रू आउट द डे, कंडक्ट ऑल दोज जॉब्स दैट दोज आर डिफाइंड टू यू, एंड मे बी टेक अ वॉक, फ्री वॉक। एंड If you are inside the office, you will definitely आपकी आवाज़, आपके जूते की आवाज़, आपके उस हील्स की आवाज़ जो सब तक पहुँच रही है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही है काम में। ऑफिस का इन्वायरमेंट आवाज़ करने का नहीं होता है। तो जब आप चल के सीढ़ियों तक आ रही है, कोशिश कीजिए कि आप सीढ़ियाँ लें, बिकॉज यू आर न्यू जॉइनी, चॉइस इज योर्स वेदर यू कैन टेक एन एस्केलेटर और टेक अ स्टेयरकेस, बट स्टेयरकेस इज समथिंग दैट यू आर दैट आई थिंक इज ऑलवेज अ गुड, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज burning some energy of yours. Second is, yes, if you are before time, ensure that you are walking and taking a look at the entire premise as to who is operating, what offices are operating, and what all people are there, you know, along with you.
And in case if you are multi-layered kind of a company or organization, then you would come to know that there are different branches. So you get to know very closely that who all are there actually working along with you. जब आप बायोमेट्रिक करती हैं तो या बायोमेट्रिक करते हैं आप, तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि आप कतार पे हैं, आप हर जगह नहीं घुस सकते हैं। आपको कहीं रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्टर में आपका नाम लिखना है, आपको साइन करना है, तो मेरे ख्याल से आपको मूवमेंट रजिस्टर जो दिया जाता है वो रजिस्टर को आप उसी कतार के तहत बायोमेट्रिक करके अपना नाम लिखेंगे तो शायद आपकी रिस्पेक्ट वैसी होगी। रिस्पेक्ट अचानक से नहीं आती, इट्स your behavior, it is how you feel and make others feel will actually earn you your respect. Second, whenever you're walking, ensure that you along with your colleague, ensure that you are not going, you know, simultaneously side by side. It you can talk by maybe taking your side, stand and talk, but stand somewhere which is convenient for others. It is not convenient for you. It should not be convenient for you, because I've seen plenty of girls or boys, they are very casual. They are looking like they have stepped out from their college, and they do not mind the career, the profession that they are getting this golden opportunity to kickstart their career. मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि दो लोग साथ ना चले। सीढ़ी है, अगर सीढ़ी से कोई आपके पीछे से आके जाना चाहता है उसे जगह दे। जो आ रहा है उसका एक उसकी एक अपनी दिशा है। हम लोग कीप लेफ्ट वाले हैं, हिंदुस्तानी ढंग से हम लोग मानते हैं। सो इफ यू वांट टू कीप लेफ्ट दैट इंश्योर दैट देयर इज नो ब्लॉकेज, राइट, देयर इज अ स्मूथ सीमलेस काइंड ऑफ अकोमोडेंस फ्रॉम योर लेट्स से योर ग्राउंड फ्लोर टू द ऑफिस दैट यू आर इन। The next thing that you can possibly think about is greet, smile. You may not be interacting with entire organization, but the moment when you interact, ensure that you are able to greet with a smile. The mask is there, at least you can, you know, nod and exchange that pleasantries. Do not shout. Many a times it happens like there are, you know, n number of interns. If they are working together, they'll come, they'll, you know, occupy the entire space between the staircase and the lift and maybe the alley which is taking you to the main office. I think that gets blocked. And if you are talking aloud on that premise, I think it's going against you. So few things that you can learn, possibly stick to time. Mobile is something which is a big distraction, it's a big no. एक डिसिप्लिन पे आ रहे हैं आप नौकरी करने के लिए, तो आपको ये समझना होगा कि आपका मोबाइल आपके साथ नहीं रहना चाहिए। और यदि आप उसे सेल्फ कंट्रोल करके अपने बैग में डाल लेते हैं और आपको जब मौका मिले तब देख सकते हैं, इमरजेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर वो होती है तो उसे एड्रेस किया जा सकता है लैंडलाइन का फ़ोन शेयर करके अपने फैमिली के साथ या उनके साथ जिन्हें आप उनका फ़ोन रिसीव करना चाहते हैं। बाकी टाइम के लिए एक फ़ोन रखिएगा जो कि लैंडलाइन होता है। अभी भी बहुत सारे ऑफिस में लैंडलाइन है। आई वुड से to be there and be seen as professional, you need to adjust yourself, adapt to the professional world. That is what I'm trying to say. Now, there are a lot of these youngsters who are fond of making friends. They are very high poly to each other. I'm not saying no, be highly sociable. At the same time, your casual time does not come into your professional time. Your informal talks and informal behavior or informal work should not eat into your formal work. आप लोगों को सबको हिदायत देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत नज़दीक से देखा है मैंने कि एक लड़का और एक लड़की मिलना चालू करते हैं, वहीं इशारों में बात कर रहे हैं, उनके काम को कोई तवज्जो दे नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। आप प्लीज ऐसा ना करें, और ऑफिस में तो बिल्कुल ना करें। ऑफिस के इन्वायरमेंट के बाद आपका अपना एक पर्सनल वर्ल्ड है जहां आप कुछ भी कर सकते हैं, बट नॉट इन द ऑफिस। समथिंग कैजुअल ऑफ दैट सॉर्ट इज डेफिनेटली नो नो फ्रॉम माय साइड। Now, one big thing that I am observing is many of the interns, they do not carry a proper diary. Now, if you have a diary, if you have something written on that diary, for example, let's say to-do list, what is that you are going to do now and what is that you are meant to do, I think those are the things which should go into that diary and maybe have a validation every time whenever you are talking to your immediate boss. अगर आपकी टीम लीड है और उनसे अगर आप बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं तो उन्हें बताइए कि आज आपने क्या किया है। ये उनका काम नहीं है आपसे पूछना। अगर वो पूछते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पे संदेह कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप पे कोई संदेह ना करे और आपका काम सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चले, तो कंट्रोल आपके हाथ में है। कंट्रोल कैसे लीजिएगा? अपनी डायरी लीजिएगा, सुबह
ब्रीफिंग में आप खुद जाके बोले और डीब्रीफ करें कि मैम या सर ये आपने कहा था और ये मैंने किया है आज का काम। इससे आपकी प्रोफेशनल रिस्पेक्ट भी जागेगी, दूसरा आपकी अकाउंटेबिलिटी के कारण हो सकता है कि आपको यू विल स्टैंड आउट अमंग द क्राउड ऑफ द अदर इंटर्न्स दैट आर वर्किंग विथ यू एंड दैट इज पॉसिबली व्हाट आई वांट ऑल यू टू टेक अ नोट ऑफ। इसके अलावा ग्रूमिंग में आप ड्रेस खुद का जब पहन के आते हैं तो ड्रेस प्लीज ऐसे पहनिएगा जो आपको शोभा देते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हम सब कुछ नहीं पहन सकते। हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल ड्रेसेस का बहुत ध्यान देना है, हम कैसे उठते बैठते हैं ये ध्यान देना है, अपने चप्पलों की आवाज़ नहीं रखनी है, हम जो नेचुरल सेल्फ है वो दिखाना है और वहीं से अपने एक करियर की शुरुआत करना है। हम यदि वो सब कुछ करेंगे जो कैजुअल एनवायरनमेंट में करते आ रहे हैं, चाहे फिर हम लोग एक स्टूडेंट बोल के हो या फिर हम घर में जैसे रहते हैं, तो ऑफिस एनवायरनमेंट ये नहीं मानता है। इसीलिए ऑफिस में जब भी आए तो इस तैयारी के साथ आए कि आपका पूरा अटायर से लेके बिहेवियर, साइकी एंड द ओवरऑल डिमिनर शुड लुक गुड। आई होप दिस इज इनफ फॉर ऑल द यंगस्टर्स टू टेक अ नोट एंड मे बी कॉन्शियसली अप्रोच योर फर्स्ट जॉब। And in case if this you find very interesting, percolate it to spread the word to all who are maybe sitting in the on the fence and wanting to start their career or who have already just begun. So please take care of yourself, right? And be professional in case if you want to earn fame, money and the designation part of it, right? Best wishes. Thank you.